नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञान सुबह में। और जो कैंडिडेट्स ड्राइवर्स अलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं स्टेज टू के एग्ज़ाम को लेकर, तो उनके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ पसंद है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लगातार अपडेट पाने के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी वैकेंसीज़ की अपडेट मेरे चैनल पर मिलती हैं, बहुत सारी जानकारियाँ। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जितनी भी सटीक जानकारी हो सकती है इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी से जुड़ी हुई मैं आपको देता रहता हूँ। आइए बात कर लेते हैं ड्राइवर स्टेज टू में क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको 2016-17 में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया भर्ती के लिए, ड्राइवर भर्ती के लिए, वो प्रूफ के तौर पे दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे कुछ भी बता सकता हूँ आप लोग कैसे मान लें। तो इस साथ मैं उस प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि क्या होता है स्टेज टू में, आपको क्या प्रिपरेशन करके जानी है स्टेज टू के लिए, आपका रिजल्ट स्टेज वन पे बनेगा या स्टेज टू पे बनेगा, ये सारी बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं वो नोटिफिकेशन। दोस्तों ये वो नोटिफिकेशन और ड्राइवर के लिए निकाला गया था। ड्राइवर कैटेगरी आप देख सकते हैं वीडियो में लिखा हुआ है। स्टेज वन आपका 90 मिनट का 100 क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स। स्टेज वन आपका हो गया, आपने स्टेज वन क्लियर कर लिया। स्टेज टू में आपकी टेक्निकल ड्राइविंग होनी है। आप सोचा टेक्निकल ड्राइविंग में क्या क्या होगा, तो उसके लिए मैं आपको सिलेक्शन प्रोसीजर ज़रूर दिखाऊँगा, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि टेक्निकल ड्राइविंग में क्या क्या होता है। दोस्तों ये सिलेक्शन प्रोसीजर का पेज मैंने आपके सामने खोल रखा है, आप लोग पेज को थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देख सकते हैं। द सिलेक्शन प्रोसीजर शैल इंक्लूड द फॉलोइंग टू स्टेजेस, स्टेज वन ऑफलाइन रिटन एग्जामिनेशन एंड स्टेज टू टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन स्टेज वन। कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड कैटेगरी एंड सब कैटेगरी वाइज 3 times इन नंबर ऑफ द एडवर्टीजमेंट वैकेंसी टू अपियर इन स्टेज टू। स्टेज वन में उतने कैंडिडेट्स पास किए जाएंगे वैकेंसी का 3 गुना स्टेज टू के लिए, और स्टेज टू में आपकी टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट होगा, जो कि 2 प्रकार की परीक्षा होगी। पहले प्रकार की परीक्षा की बात करें तो टेस्ट ए में जो आपका है आपका सिग्नेज टेस्ट, यानी टेस्ट ऑफ रोड साइंस, मतलब आपका साइन जो साइन होते हैं उनका टेस्ट किया जाएगा। आप जो रोड पे साइन होते हैं तो साइंस टेस्ट में आप अगर पास होते हैं, आपको बताना ये साइन किस चीज़ का है, ये बता रहा है यहाँ हॉस्पिटल है, ये बता रहा है यहाँ पे क्रॉसिंग है, बता रहा है यहाँ पे मोड़ है, ऐसे बहुत सारे साइंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रोड पे साइन बने होते हैं। उसके बाद टेस्ट बी इसमें जो आपका होगा वो ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका। और इसके बाद मैं बता दूँ क्या होगा, द कैंडिडेट विल हैव टू क्लियर द स्टेज टू एग्जामिनेशन टू सेटिस्फेक्शन ऑफ सेलेक्टिंग अपॉइंटमेंट अथॉरिटी। आपको दोनों ही टेस्ट पास करने हैं, स्टेज वन, फिर भर्ती का 3 गुना स्टेज टू के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज टू का आपको क्लियर करना होगा, जिसमें आपका साइन का टेस्ट होगा, कौन सा साइन है आपको, ये सही सही सारी चीज़ें समझनी है, सही सही बतानी है, आपको ड्राइविंग करके दिखानी है। इसके बाद बात करें, आपका इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। फाइनल मेरिट स्टेज वन और स्टेज टू को जोड़ के जो अथॉरिटी डिसाइड करेगी उतने पे कट ऑफ बना के निकाली जाएगी। दोस्तों आपको अगर इसमें और कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मुझे लगता है एक वीडियो और बनानी चाहिए तो मैं बना दूंगा दोस्तों। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जिनको प्रॉब्लम हो रही है ड्राइविंग की वैकेंसी को लेकर, अगर उन्होंने फॉर्म भर रखा है या परीक्षा निकाली है। दोस्तों आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी परीक्षाओं की जानकारी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग लगातार जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको रेगुलर जानकारी देता रहता हूँ हाई कोर्ट से जुड़ी हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।